हम अब मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। जी हां, रबुपुरा जो मशहूर हो चुका है सीमा हैदर की वजह से। हमारे साथ हैं सीमा और सचिन दोनों। सीमा जी, एटीएस से लंबी पूछताछ हुई आपकी, क्या पूछा उन्होंने? सर, उन्होंने शुरू से लेकर जब से मैं मेरा पैदाइश से लेकर अब तक मेरे परिवार से पूरे जो भी थे, जो भी संबंध में रिश्तेदार, सबके बारे में पूछताछ हुई। तो क्या बोला उन्होंने फिर? सर, अभी तो पूछताछ ही हो रही थी, फिर मुझे लेकर गए, फिर इनको बिठाया, अलग अलग पूछताछ हो रही थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखते हैं आगे होता है क्या। जो ये बात हो रही है कि भाई आप, वो तो आप भी जानती हैं, मानती हैं कि एंट्री जो है वो इलीगल हुई है, तो अगर कानून ने आपको वापस भेजा जाएगा तो? सर, अगर कानून ऐसा फैसला करेगा तो वो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ की अगर उम्र भर जेल हो जाती है, फिर वो फिर भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो पहले तो मुझे तो ज़िंदा रखेंगे नहीं, और मेरी जो बेटियाँ हैं, बेटे को चलो छोड़ दो, वो जैसे भी रह लेगा, मेरी बेटियों का भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी सर, अगर मैं वापस चली जाती हूँ तो। क्योंकि मेरी तीन बेटियाँ, छोटी छोटी सी तीनों मेरी बेटियाँ हैं, बड़ा सबसे बेटा है, तो बेटे की मुझे इतनी चिंता, लड़का तो लड़का होता है, पर लड़कियों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी सर। जी सर। सचिन जी, आपको अब इतनी बार पुलिस और इतना सब झंझट, कभी लगता है कि फैसला गलत कर लिया? सर, गलत तो नहीं लगता सर, हम दोनों का प्यार है सर, हम दोनों, यानी कि हम दोनों साथ ही रहना चाहते हैं, गलत तो नहीं लगता सर। हाँ, गलत परेशानी जो हो रही है और जो दिक्कत हो रही है, पछतावा कभी हुआ? पछतावा कुछ नहीं हुआ। कोई पछतावा नहीं है? आपको कभी लगता है कि कहाँ आ गई मैं? जी सर, शुरू में तो सोचा ही नहीं था कि ये कहते थे इंडिया, मतलब जैसा था इंडिया बहुत अच्छा है सर, ऐसा कभी नहीं सोचा था, मतलब वायरल होंगे, इस तरह की बातें होंगी, इतनी जेल जाऊंगी, थाने जाऊंगी, इस तरह की चीज़ सोची तो नहीं थी, पर जो होता है भले के लिए होता है, क्योंकि हमें यहाँ, मुझे लीगल रहना था, पर हमने इसीलिए वकील से संबंध इसीलिए करा, रहा हमने कि कोई बता दे चीज़ कि मैं रह सकूँ, मेरे बच्चे स्कूल, खास बच्चों के कारण ही हम मतलब पकड़े गए हैं, तो बच्चे की वजह से, क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल भी भेजना चाहती थी, इनको थोड़ा, ये बड़े हैं तो इनके वहाँ भी पढ़ते थे, पाकिस्तान में भी पढ़ते थे, तो इनको मैंने ही कहा था कुछ करो कि बच्चे, बस बच्चे जाएँ, मेरा ना हो तो ना हो, बच्चे स्कूल जाएँ, क्योंकि मैं तो वहाँ भी घर में रहती थी, यहाँ भी इनके साथ घर में सही रह रहे थे हम, सिर्फ बच्चों की वजह से ऐसा हुआ कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। कभी सर मेरा आने का कोई गलत इरादा नहीं, मैं हिंदुस्तान, जैसे पाकिस्तान से मेरा प्यार था, हिंदुस्तान से उससे ज़्यादा है, मैं यहाँ से इनसे तो क्या, इनसे हर, इनकी हर चीज़ से बहुत प्यार करती हूँ, तो हिंदुस्तान के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत, मैं औरत हूँ, मेरी लिए बहुत इज्जत करी इन लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत भी कहा है, जैसे मेरे पापा के बारे में, उसकी वीडियो वायरल हो रही, तो उनके बारे में मुझे कह रही, ये तो अब दोस्त है, बॉयफ्रेंड, मेरे अबू के बारे में, जो मेरे अबू थे, मेरे बेटे के सालगिरह थी, हम नाच रहे हैं तो कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड है, गलत गलत बातें कर रहे हैं, और एक भाई समान थे मेरे जात, उसके नाम भी गलत कहा गया, क्योंकि उनकी साथ में बैठ के वीडियो बना ली थी, सिर्फ यही वजह थी, वो 2-1.5 साल पुरानी थी, तो बुरा तो लगता है कभी कभी सर, दुख भी होता है कि क्या सोचा था, क्या हो गया, दुख तो होता है सर। नहीं, पर आप देखिए ना, ये तो आप भी समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, वहाँ से आप आई हैं, इलीगल आई हैं, और उसमें तमाम सवाल हैं। एटीएस ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर, जैसे 2-3 चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान आसान लफ्ज़ों के मुझे मतलब पता, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता, जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है, और मैं बोल भी लेती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेज़ी पढ़, अगर आप लिखा, पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेज़ी देंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, हाँ अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने, मतलब? ये मैं पढ़ाई करती सर गाँव में, अच्छा। हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा, और मेरा होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 ही पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है, एक चीज़ की समझ हो जाए फिर सर पढ़ना आ गया, आसान हो जाता है, तो मुझे वो समझ थी, और मैं टीचर मुझे कहती हुई थी कि सीमा, आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गांव में गुजरा है, मैं शादी के बाद कराची आई हूँ। जी सर, पर हो चंदन की तांजी बोली जेका है सिंधिया, वो खैरपुर वारी कौन आए? खैरपुर में सिंधी ही गलाई विंदवा था, पर तांजी बोली जेका है कराची वारी वधिक थी लगे कराची असा, मुझे मामे जो घर कराची में होयो, असा अचवन हुंदो, मुझे अम्मी भी अग में आई, वरी अचवन हुंदो, के 2 महीना रहया फिर गोठ वापस मुसलसल कराची में शादी खपो मार रही है सर जी। तो होतो उनका पहनी था खैरपुर में रहया, खैरपुर मीरस, हां सिंधी इलाको आ, सिंधी ही लैंग्वेज, खैरपुर में कैरो गोट, कोट डीजी, कोट किलो मशहूर आ, तो डायमंड की दूरी ते आ,
वो मशहूर आहे सिंधी भाषा सिंधी लैंग्वेज इंज लाइ ईंदी आहे सिंध में घणी सिंधी सिराइकी ई ॻाल्हाई वेंदी आहे उर्दू त कराची में आहे उर्दू त फिल्मा ड्रामा ॾिसी बि सिखी वेंदा आहियूं असां त घणी मां फिल्मनि ड्रामनि खां उर्दू सिखी आहे कराची घटि विया आहियूं ऐं कराची शिफ्ट थियण खां पोइ दुकान वारो बि खंड विकिरण वारो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो कराची में आहे उर्दू शहर त इहे हम अपने दर्शकों को बता दें ये ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता बिल्कुल तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती है ये सिंधी खैरपुर में ही बोली जाती है सर और कराची वाली लगती है तो आप कह रही हैं कि ये आप खैरपुर में जो इनका गांव है वहाँ की भाषा है इस वजह से आप ऐसे बोलती है ये सवाल आते इसलिए उठ रहे क्योंकि वहीं से जैसे पाकिस्तान से ही ना कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं बिल्कुल ये सिंध की है ही नहीं ये खैरपुर की है ही नहीं बिल्कुल सर और अच्छा दूसरी चीज आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में ये आपने बात छिपाई सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच्ची बोला ठीक है सर और रही बात चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे इनको भी पता है वो 12वीं पढ़े थे कराची में किसी के लिए कराची में के पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बॉडी के कारण सबको मिलती है तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड में रब्बू की डेथ होने से तो 2 महीने पहले ही वो हुए थे तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर मैं शादीशुदा थी मैं अलग थी उन सबसे मैं अगर कुंवारी होती उनके साथ रहती तो मुझे जोड़ा भी जाता मानती हूँ पर अब तो मैं शादीशुदा अलग थी अभी देखें सब ने आवाज़ उठाई मेरी बहनों ने मेरे खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने मुझसे बात करने के बाद एक बार उन्होंने मीडिया में ये क्योंकि हमारे यहाँ फोटो शक्ल नहीं दिखाते टीवी में मेरी बहनें ना आई यही वजह है हमारे मैं आ गई हूँ ये भी उन लोगों के लिए बड़ी बेइज्जती की कहा होगा गाँव गाँव में थू थू होती होगी कि तुम्हारी बहन का ये चल रहा है भी पूरे गाँव में उनके थू थू मेरे मामा चाचा जो भी हैं पहले तो उनसे मेरा इतना कोई है नहीं फिर उनको हर कोई थू थू करता होगा कि तुम लोगों की लड़की ऐसा कर रहे हो वहाँ बैठी तो मेरी बहन ने टीवी पे उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम भेजा कि सीमा को वापस आ जाए पर खुद टीवी पे नहीं आई खुद नहीं बोला उन्होंने बस इतना पैगाम जो मीडिया वाले वहाँ गए उनको इतना पैगाम दिया खुद सामने नहीं है हमारे खानदान सामने नहीं आ रहा कोई फ़ोन नहीं आ रहा वहाँ से नहीं सर मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी उनसे बात करने की क्योंकि मैं इनके साथ बहुत खुश थी अगर मैं उनसे बात करती तो उनको दुख ही देती मैं उनको दुख तो होगा बहनों मेरी बहनें तो बहनें होती हैं सर उनको तो दुख होगा मेरे दूरी का पर इसका मतलब मैं यहाँ बहुत खुश थी वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे 1-2 महीने क्योंकि अब्बू मर गए तो हम 2-3 महीना बहुत रोए सब रह लिए सब खाने लगे पीने लगे जीने लगे तो वो मेरे बगैर भी जी लेंगे पर मैं इनके बगैर वहाँ जी नहीं पाती और मेरा अगर हैदर या किसी को भी पता पड़ जाता ना किसी से मैं बात करती हूँ प्यार करती हूँ तो मुझे तो वहाँ आप जिस तरह सिंधी बोल रहे हैं आपको पता होगा कि वहाँ कारो कारी का रवाज है तो इसमें मैं तो ख़त्म ही हो जानी थी यही वजह थी कि मैं यहाँ चली आई मुझे यकीन था कि हम खुश रहेंगे और वो मुझे मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते इंडिया में जी सर बस यही वजह है इसके अलावा मेरा कोई गलत मकसद नहीं आपको आपने नहीं सोचा कि इनसे बोला जाए कि उधर बात की जाए तो कुछ तो पूछा होगा ना कि परिवार में कौन है कैसे हाँ मैंने पूछी मुझे पता थी सब पता थी कि भाई है बहन है और दादी है दादा है सब पता थी तो बात करने के लिए आपको भी बात नहीं थी सर हाँ बात जैसे इसकी सहेली पहेली आती थी उनसे बात करते नहीं तो ये नहीं देखिए सवाल क्या है कि आप 4 बच्चे छोड़कर नेपाल चली गई तो ये करना भी तो इसमें भी तो शक पैदा होता है ना कि कोई अपने बच्चे छोड़कर क्यों नेपाल चला जाएगा सर मैं अगर वहाँ तक आई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इनको पता है हर मिनट मैं अपने बच्चों से अपने घर वालों से बात करती थी व्हाट्सअप पे उनको मैंने लगा था कि मैं घूमने जा रही हूँ हमारे वहाँ से जा रही थी क्योंकि हम लाहौर शम्स तबरेज़ की दरगाह है एक बीबी रुकैया पाक दामन की उनकी दरगाह है तो हम शिया कबीले से हैं शिया तो वहाँ हमारे यहाँ जाते मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई थी तो मैंने अपनी बहनों से ये ख्वाहिश जाहिर करके मैं जाना चाहती हूँ सब जा रहे हैं मेरी दोस्त ने बताया सब जा रहे हैं मैं उनके साथ वैन जा रही हूँ मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ क्योंकि वहाँ का रास्ता 2 दिन का तो रास्ता है 4 दिन रास्ते के और 3 दिन मैंने वहाँ रहने के उनको बताया और यही सोच के मैंने 7 दिन की टिकट करवाई थी क्योंकि बच्चे मैं अपनी बहन और चाची के पास छोड़ के जा रही थी मेरा मुश्किल था बहुत आना पर ये भी एक रिस्क था अगर किसी को मेरे भैया या चाचा मामा किसी को शक होता ना कि सीमा यहाँ हैदर को भी हो जाता दूर से पता पड़ जाती मेरे ससुर को ना कि आपकी यहाँ गई हुई है तो मुझे तभी ख़त्म कर सकते वो भी एक रिस्क मैंने इनके लिए उठाया कि हमें मिलना था हम कभी मिले नहीं थे मेरी ख्वाहिश थी बीच में मैं बहुत बीमार भी हो गई थी तो इसी वजह से मैंने मिलने के लिए मेरा रिस्क भी रिस्क था एक सर पर उनको पता नहीं था कि मैं नेपाल जा रही हूँ या ऐसा कोई है या मेरे पास पासपोर्ट का आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं कितने पासपोर्ट अब कई कर 4-2 कैसे सर कैसे बनवाए आपने क्यों इतने मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब 4 बच्चों के हैं एक मेरा है 5 पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम सिर्फ सीमा था ना ऊपर कुछ ना पीछे ना आगे कुछ नहीं सिर्फ सीमा था वो अभी पड़ा है यहाँ पे तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम
पे मतलब नहीं लग रहा आपका पास, मुझे वापस कर दिया गया पास, बच्चों के वीज़े लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं दोनों पास मेरे पास थे, मेरे गदल में दाग होती कार्ड में, उम्र पे सवाल उठ रहे हैं। ये आम तौर है सर पाकिस्तान में हर किसी के, अब मेरी बड़ी बहन की देखो उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आम तौर पे चलता रहता है क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं फिर बंदा बड़ा हो दिखता है, तो ये चीज़ आम होती है कि छोटी एज लिखवाना, इस पर कोई मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं होता, सबकी हैं, सब सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ भी होती होंगी, मुझे तो यहाँ का पता नहीं है, पर वहाँ पे नॉर्मल 4 से 5 साल हर कोई कम ही लिखवाता है।